कोरोना पेशेंट का भी 80 होता है एंड मेरा 64 था. आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग. गोइंग टू लद्दाख वो भी सोलो. आई एम वेरी एक्साइटेड. बिकॉज आई एम यू आर राइट आई एम गोइंग टू लद्दाख एंड दिस इज दिस सोलो ट्रिप. एंड पहले मैं बता रही हूँ ये सिंदूर नहीं है, नहीं तो कमेंट्स में वही आएगा कि आर यू मैरिड मैरिड. नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम 21. माई फूड इज़ हियर एंड आई वॉज सीइंग अभी 10:45 हुआ है एंड मेरा फ्लाइट है 12:30 का. यू हर्ड राइट, मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा जल्दी पहुँच जाती हूँ. अगर मैं किसी भी इवेंट में लेट गई तो समझ लेना कि मैंने जानबूझ कर किया है, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. और मैं बताती हूँ, फ़्लाइट में मैंने विंडो सीट बुक की थी और सबके विंडो उनके सीट के एग्जैक्ट बाजू में थी, बट मेरी इतनी दूर. मैंने इसके लिए 400 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, बट एनी वेज आई गॉट सक्सीड टू टेक अ वीडियो ऑफ द व्यू. हाय, आई एम फाइनली हियर एंड आई डिड चेक इन होटल. चलो मैं अभी जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ और मेरा शक्ल लेट इट बी. यहाँ पे ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बोल रही हूँ तो ऐसा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, लाइक बहुत बहुत कम है. तो आज के दिन हमें रूम में ही रहना है ताकि हमारा बॉडी इस टेम्परेचर इस वेदर को अडेप्ट करे. तो जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ देन वी विल गो फॉर अ ब्रेकफास्ट. आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट एंड राइट नाउ आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड लुकिंग एट द व्यू. This feels so unreal and मेरा skin बहुत ही ज़्यादा dry लग रहा है because यहाँ का मौसम ही ऐसा है, ठंड है और बहुत ज़्यादा dry है और धूप भी है, छटका लगने वाला धूप है यहाँ पे. One more thing I have to say that we hit 300K on Instagram and this feels so unreal. आज मेरा लद्दाख में फर्स्ट डे है एंड वी गेट 300K ऑन इंस्टाग्राम. आई एम सो हैप्पी, ऑल माय हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. कैफे वॉज सो प्रिटी, इट वॉज टिबेटियन कैफे एंड अभी हमें बोला कि 4 बजे रेडी होने को और यहाँ का धूप ऐसे आँखों में चुभ रहा है लिटरली. बर-बर के सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा. वी वेंट टू सी दी ले पैलेस और वहाँ से व्यू वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल. उसके बाद शांति स्तूपा भी देखने गए, उसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था. वहाँ से लौटते वक्त मेन मार्केट भी देख लिया और ये मार्केट में शॉल्स, होम डेकोर्स, ड्राई फ्रूट्स, बैग, एवरीथिंग वॉज देयर एंड एवरीथिंग वॉज सो प्रिटी. हेलो एंड दिस इज़ अ डे टू एंड वी आर गोइंग टू रिवर राफ्टिंग. वेरी एक्साइटेड और नर्वस भी बिकॉज मैंने सुना कि बहुत ही तब जाते हैं. सो लेट्स गो. रेडी फॉर नेक्स्ट रैपिड. वेरी गुड. नाइस पैडलिंग एवरीवन. इंस्टाग्राम का वीडियो लेते सब लोग अच्छा पैडल करने लग गया. हेलो, आई एम बैक एट माय होटल रूम एंड टुडे वाज सच अ फन डे. और वो जो रिवर राफ्टिंग में मुझे बहुत मजा आया, उन्होंने लिटरली हमें उठा के पानी में फेंक दिया. आई वाज लाइक एक सेकंड. मेरा हाथ पूरा नम हो चुका था, मुझे ब्रीथ करने नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत मजा आया, लाइक बहुत मजा आया. आई विल रिमेम्बर दिस डे फॉर एवर. एंड वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लाइक इट वॉज 2000 बट इट वॉज वर्थ इट, लाइक वर्थ इट. टुमारो वी आर गोइंग नुब्रा वैली और वहाँ से ही हम पैंगोंग जा रहे हैं. कैंप होगा वहाँ पे एंड आई एम सो एक्साइटेड. मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया बिकॉज अभी मैं ले मार्केट जा रही हूँ. कल गई थी बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं फटाफट ऐसे देख के मैं वापस आ गई थी. आई नो लाइटिंग खराब है बट लेट मी टेल यू वन बैक स्टोरी. हम लोग कारडुंगला गए थे नेक्स्ट डे, कारडुंगला पास. उसका जो हाइट है वो है
17,000 फीट पे है वो, और जब मुंबई में रहते हैं हम 300 या फिर 600 फीट पे रहते हैं। तो इमेजिन 300 या फिर 600 फीट से डायरेक्ट 17,000 जस्ट इमेजिन। तो हमें सबको पता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होने वाला है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चले गए ऐसे हिल से गोल 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 घूमते, हमें फील हो रहा था कि ऑक्सीजन बहुत ही कम है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एंड जब भी हमने ऑक्सीमीटर से मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया तब इट वॉज 64। कोरोना पेशेंट का भी 80 होता है एंड मेरा 64 था। आई वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। बट जब भी सबका चेक किया इट वाज लाइक 69-70 ऐसे ही था सबका। एंड ड्राइवर अंकल ने बोला कि ये सब चेक मत करो बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल है। एंड तो वहाँ पे हम बस 15 मिनट्स रुके एंड वहाँ पे जल्दी जल्दी वापस आ गए बिकॉज सीढ़ी चढ़ने को भी मुझे नहीं हो रहा था, लाइक छक्कर वक्कर आ रहे थे। एंड या जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते गए वी वर बैक टू नॉर्मल। और ऑन द वे हमने थोड़े फोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए और कार रेसिंग भी कर लिया। और पहाड़ों में कार रेसिंग करने का मज़ा ही अलग है। उसके बाद हम जब एक टेंपल गए बुद्धा टेंपल, वहाँ पे सब ऐसे एक के बाद एक पत्थर रखा हुआ था तो हमने भी रख दिया। और ड्राइवर अंकल को जब पूछा कि ऐसे पत्थर क्यों रखते हैं तो ही सेड मालूम नहीं। एंड वी वर लाइक वाह, दिस सीनरी वॉज द हाईलाइट ऑफ द डे बिकॉज पानी से माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा था एंड इट वॉज लुकिंग गॉर्जियस। देन वी डिड द कैमल राइड, यू कैन सी आई वॉज स्कैर्ड एट फर्स्ट। और डेजर्ट के ठीक सामने देयर वॉज अ कैनल और पानी बहुत ठंडा था। वी प्लेड अ लिटिल, उसके बाद वी वेंट टू द होटल। गुड मॉर्निंग फॉर मी, अभी हम निकलने वाले हैं, ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे जो गार्डन है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सब होम ग्रोन वेजिटेबल्स है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सब कुछ है यहाँ पे, एप्पल्स, इट्स सो प्रिटी, लेट मी शो यू। दिस वॉज द विला वी स्टेड एट एंड द व्यू फ्रॉम देयर वॉज ब्यूटीफुल। और ये था उनका गार्डन और मैंने लाइफ में पहली बार एप्पल का पेड़ देखा है। और वहाँ पे एप्रिकॉर्ड्स के पेड़ भी थे और वो अंकल हम लोग को हेल्प कर रहे थे तोड़ के देने में। एंड एप्रिकॉर्ड्स वर सो स्वीट। देन वी स्टॉप्ड एट दिस ब्यूटीफुल स्पॉट और यू कैन सी कि मेरे अच्छे वीडियोज के पीछे कितने सारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। We are at the Pangong Lake and it is full blue, like blue. Actually, driver bhai hame dara rahe the ki pura muddy hai water, but it is not. It is full blue. I'm so happy to see this. Wait, let me show you. Fun competition chal raha hai yahan pe. Wait. Okay. हाँ, जो भी हो गया, सीनरी देख के फोटोज क्लिक करके रील बना के सब कुछ हो गया। अभी बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, बोला है कि रात को -2 degrees का ठंड होता है। तो हमने सारे कपड़े लाए, लाइक लेयर्स एंड लेयर्स हमें डालना है। दिस इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लिटरली 4:30 को उठ के गए थे सनसेट देखने और बहुत ठंड थी, जस्ट इमेजिन द 2 degrees। बट वेन द सन केम आउट वी फेल्ट रिलीफ। वापस जाते वक्त बहुत लंबी ट्रैफिक थी, वी वर सो बोर्ड, सो वी केम आउट ऑफ द कार एंड स्टार्टेड डांसिंग आउट ऑफ नोवेयर। सो वी आर एट रांचो स्कूल जो 3 idiots में दिखाया है, तो हम वहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। अभी पता चला कि दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल स्कूल, दिस इज़ अ बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे 3 idiots को शूट हुआ है। दिस इज़ लाइक अ स्टूडियो आई गेस समथिंग। वहाँ पे वो पी कर रहा था और बच्चों ने वहाँ से उसको करंट दिया था, ये वो जगह है। एंड दिस इज़ कैफे एंड वो पता नहीं क्या अभी तक। I'm doing vlog. Do you want to come in my vlog? Yes, we want to be famous. YouTube में इतने subscribers नहीं। So we are at Rancho's
कैफे और हमने ऑर्डर किया सी बकथॉर्न बकथॉर्न जूस। क्या ऑर्डर किया तुम लोगों ने? एक मिनट, कुछ नया है ले बेरी का। या इट इज लद्दाखी फ्रूट। हेलो, चीयर्स। नॉन हेलो, आई एम लुकिंग सो टायर्ड आई नो, बट अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। हमने रिजर्वेशन ऑलरेडी किया हुआ है TBTM किचन, इट इज़ वेरी फेमस। और वहाँ पे तो पूरी लाइन लगी थी, तो अभी हमें आधा एक घंटा रुकने को बोला है, उसके बाद हम जाएंगे। एप्रिकॉट जूस। देन वी वेंट टू द लोकल हाउस फॉर द लंच एंड दे सर्वड अस बटर टी। एंड मुझे बटर टी कब से ट्राई करना था, एंड आई डोंट नो व्हाई एक्सपेक्टेड बटर टी टू बी स्वीट। एंड देन दे सर्व द लोकल ब्रेड, इट इज मेड फ्रॉम द व्हीट, एंड दे सेड बटर टी के साथ भी खा सकते हैं एंड कर्ड के साथ भी। मोमोज भी था, और मोमोज का चटनी वॉज द हाईलाइट, लिटरली इट वॉज सो डिलीशियस। एंड और एक डिश था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है। एंड दे ऑल्सो सर्वड अस द लोकल ड्रिंक, इट इज कॉल्ड चांग, इट इज़ वेरी फेमस हियर। और मुझे लगा कि गुलाब जामुन है, बट इट इज प्रिजर्व्ड एप्रिकॉट्स। आई केम बैक टू माई होटल, एंड लद्दाखी फूड जो था बहुत ही अच्छा था, बट लद्दाखी एंड टिबेटियन फूड जो रहता है उसमें स्पाइस बहुत कम होता है, लाइक ना के बराबर स्पाइस होता है। एंड आई प्रीफर स्पाइसीस्ट फूड, बट इट वॉज गुड, इट वॉज सो गुड। एंड चांग भी ट्राई किया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी बहुत अच्छा था। जब भी मेरे पास टाइम ही टाइम है, और कल 6:50 का मेरा फ्लाइट है सुबह का, 5 बजे जुट के जाना पड़ेगा यहाँ से। सो या अभी थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ, घर के लिए थोड़ा शॉपिंग करना है। एंड दैट्स इट, आई विल लेट यू नो। आई जस्ट हैड द ब्लूबेरी चीज़ केक, एंड इट इज़ द बेस्ट चीज़ केक आई एवर हैड। एंड वो दुकान का नाम है जर्मन कैफ़े, जर्मन रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। यू मस्ट विजिट दैट कैफ़े अगर कभी आप यहाँ पे आए तो। ओके, आई थिंक आई हैव डन इनफ शॉपिंग, एंड मैंने घर के लिए छोटी छोटी चीज़ें ले ली है, एंड धूप से मुझे देखा भी नहीं जा रहा। आई विल गो टू कैफ़े नाउ, TBTM कैफ़े या फिर ले कैफे जाती हूँ मैं, ये सामने है। तो डन विद माई शॉपिंग, एंड मुझे बहुत मजा आया बिकॉज दिस वॉज माई एक्चुअल सोलो सोलो। इससे पहले मैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ गई थी जो मैंने यहाँ पे बनाए थे। सो दिस इज योर साइन टू गो सोलो, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।